हमीरपुर जिले में डेंगू का डंक और तीखा होता जा रहा है। 24 घंटे के दरमियान जनपद में डेंगू के 5 नए केसों की पुष्टि हुई है। सुमेरपुर कस्बे के ऊंचा थोक मोहल्ला निवासी किसान नेता की बहू की डेंगू बुखार की वजह से रात इलाज के दौरान कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका के देवर की इसी माह की 25 तारीख को शादी होने वाली थी। इस घटना से शादी की खुशियां काफूर हो गई। उधर डेंगू ग्रसित एक मरीज को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। डेंगू बुखार पर काबू पाने की स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां इस वक्त बौनी साबित हो रही है। जनपद में डेंगू बुखार ने तेजी से पांव पसारे हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या 86 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में टीमें लगाई गई है, साथ ही साथ एंटी लार्वा दवाइयों व फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। अभी तक हमारे जनपद हमीरपुर 86 जो है डेंगू पॉजिटिव निकले हुए एलाइजर टेक्निक से, और इसके लिए हम लोगों ने हर ग्राम स्तर पर जो है आशा और एनएम के माध्यम से हाउस सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, और साथ साथ में हमने छिड़काव की भी व्यवस्था कर दी है। हर स्तर पर जहाँ भी हो रहा है पार्टी हो रहा, 24 घंटे के अंदर जो है हम जो है वहाँ पर अपनी जो है सर्वे टीम और जो है स्प्रे टीम को भेजा जाता है। सर, कहते हैं डेंगू से मौत की बात खबर आ रही है, डेंगू की अभी कल खबर आई है। सुमेरपुर कस्बे के प्रशांत सिंह की मिसेज है, उन्होंने जो है प्राइवेट में चिकित्सालय में इलाज कराया, सरकारी में नहीं कोई सरोकार किया, उन्होंने जाके प्राइवेट एजेंसी हॉस्पिटल में किया और वहाँ पर स्थिति खराब हो गई और अंततः वो मौत हो गई। अब उसकी जांच कराई जा रही है, उसके रिकॉर्ड जो है संकलित किए जा रहे हैं। कई गांव में डेंगू ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ क्या किया जा रहा है, क्या कारण है कि डेंगू नहीं है? इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान को साफ सफाई और हाउस सर्वे में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी नकारात्मक भूमिका दिखाई पड़ रही है, जिससे विभाग को बहुत परेशानी हो रही है। तो हम डीएम साहब को इस संबंध में बात करेंगे और इसके लिए कार्रवाई को भी बस होंगे।